अगर दोस्तों आप भी अपने नए YouTube चैनल को कुछ इस प्रकार से सर्च में लाना चाहते हैं तो फिर आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग भी कुछ इस प्रकार से सबसे फास्ट में अपने YouTube चैनल को सर्च में ला सकते हैं, वो भी दोस्तों बहुत ही ईजी तरीके से। लेकिन दोस्तों काफ़ी लोगों के मन में ये भी डाउट रहता है कि जब तक हमारे YouTube चैनल पर अच्छे खासे सब्सक्राइब नहीं होंगे तब तक हमारा YouTube चैनल सर्च में नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों ये बात एकदम गलत है। मैंने YouTube पर ऐसे चैनल्स को भी देखा है जिनके ऊपर मात्र एक या फिर दो सब्सक्राइब हैं, तब भी दोस्तों वो YouTube में सबसे फास्ट नंबर पर सर्च में आते हैं। लेकिन दोस्तों उन लोगों ने उन सेटिंग को ऑन किया है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, ऐसी सेटिंग बताने वाला हूँ जिसको अगर आप इनेबल कर दोगे ना तो 100% दोस्तों आपका भी YouTube चैनल कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर सर्च में आएगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए फिर दोस्तों आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ जाना है, उसके बाद दोस्तों अपने YT स्टूडियो को क्रोम के अंदर डेस्कटॉप साइट के अंदर ओपन कर देना है कुछ इस प्रकार से। अगर दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से ओपन करना नहीं आता तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी जिससे दोस्तों आप बहुत ही इजी तरीके से कुछ इस प्रकार से अपने YT स्टूडियो को डेस्कटॉप साइट के अंदर ओपन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जब आप उसे ओपन कर लोगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इसका इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से आपको करना क्या है कि सिंपली दोस्तों आपको जूम इन कर लेना है। जैसे ही आप जूम इन करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे की तरफ एक सेटिंग का आइकन दिखाई दे रहा है, तो सिंपली दोस्तों आपको इस सेटिंग वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इस सेटिंग पर क्लिक कर दोगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक आइकन और दिखाई दे रहा है यहाँ पर चैनल करके, तो सिंपली आपको करना क्या है कि इस चैनल वाले आइकन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इस चैनल पर क्लिक कर दोगे तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों आपको यहाँ पर एक आइकन दिखाई दे रहा है कीवर्ड्स के, तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि इस कीवर्ड्स वाले आइकन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ से आपको जिस भी टाइप से आपका यहाँ पर चैनल है तो दोस्तों आपका जो भी चैनल का नाम है तो उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको कीवर्ड्स को ऐड करने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको कीवर्ड्स को ऐड करने हैं। जैसे कि दोस्तों मेरे चैनल का नाम है टेक्निकल अपडेट, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर डाल दिया टेक्निकल अपडेट टेक्निकल टेक्नोलॉजी अपडेट कुछ इस प्रकार से। दोस्तों मैंने अपने यूट्यूब चैनल के जिस तरीके से लोग सर्च कर सकते हैं उसी से रिलेटेड दोस्तों मैंने यहाँ से 20 से लेकर 30 यहाँ पर कीवर्ड्स को ऐड कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों अपडेट चैनल अपडेट कैटेगरी कुछ इस प्रकार से। दोस्तों काफ़ी बार होता है कि बच्चे होते हैं वो यहाँ पर कुछ गलत यहाँ पर सर्च कर देते हैं, तो अगर कुछ गलत सर्च करेंगे तब भी दोस्तों मेरा यहाँ से चैनल सर्च में आ जाएगा। कुछ अलग अलग तरीके से दोस्तों मैंने कीवर्ड्स को ऐड कर रखे हैं, सेम उसी तरीके से दोस्तों आपको भी यहाँ से ऐड कर देना है जिस भी कैटेगरी से आपका चैनल है, जो भी आपके चैनल का नाम है। अब उसके बाद यहाँ से आपको करना क्या है कि दोस्तों एक दो कीवर्ड आपको अपने चैनल की कैटेगरी से रिलेटेड कर देने हैं। जैसे अगर दोस्तों आपका चैनल यहाँ से कॉमेडी से रिलेटेड है तो यहाँ से आपको कीवर्ड्स डाल देने हैं फनी कॉमेडी वीडियोज कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों मेरा तो यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो दोस्तों वो तो मैंने यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर रखा है। उसके बाद दोस्तों आपकी नीड्स के हिसाब से जो भी आपके बड़े क्रिएटर हैं, जैसे दोस्तों अगर आप कुकिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं तो कुकिंग में दोस्तों सबसे ऊंचा कौन है, सबसे ऊपर सबसे किसका चैनल है, तो सिंपली उसी से रिलेटेड दोस्तों आपको यहाँ से टैग्स को डाल देना है। तो दोस्तों मेरी कैटेगरी के अंदर कौन है, मनोज दे है, जुनू की टेक है, टेक्निकल योगी है, स्प्रेडिंग ज्ञान है कुछ इस प्रकार से। दोस्तों बहुत ही सारे यहाँ पर यूट्यूब चैनल के मैंने नाम को डाल दिया है, तो सेम आपको भी कुछ इसी प्रकार से जिस भी कैटेगरी से आपका चैनल है तो आपकी कैटेगरी में जो सबसे जिनका काफ़ी अच्छे खासे व्यूज आते हैं, जिनका काफ़ी अच्छा खासा नाम है, फैन फॉलोइंग है, तो दोस्तों उनके चैनल को नाम को यहाँ से आपको ऐड कर देना है। मैंने कुछ इस प्रकार से ऐड कर रखे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको सेव का आइकन दिखाई दे रहा है, तो सिंपली आपको सेव वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस सेव वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर दोगे तो दोस्तों आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको 7 दिन का टाइम देना है। जी हाँ दोस्तों, आपको सिंपली 1 वीक का यहाँ पर आपको टाइम दे देना है। 1 वीक के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर यूट्यूब चैनल सर्च में आ जाएगा। हाँ दोस्तों, अगर आप लोग भी कुछ इस प्रकार से अपने यूट्यूब चैनल के कीवर्ड्स को ऐड करोगे क्रोम के अंदर तो 100% दोस्तों आपका भी यहाँ से यूट्यूब चैनल सर्च में आ जाएगा। आशा करता हूँ कि दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जो भी ट्रिक बताई वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही है। वीडियो अच्छी लगी तो सिंपली इस वीडियो को एक लाइक कर दें, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग हेल्पफुल वीडियो नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिले। जय हिंद, वंदे मातरम।